उधम सिंह नगर में बॉर्डर पर शादी करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जहां आए दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग बॉर्डर पर शादी कर रहे हैं। इसके चलते आज काशीपुर के एक बॉर्डर पर शादी संपन्न हुई। बता दें, कोरोना वायरस के चलते लोग लॉकडाउन के बाद बॉर्डर पर लगातार शादियां की जा रही हैं। वहीं शादी में सूरज चौक स्थित बॉर्डर पर एक और शादी देखने को मिली, जहाँ काशीपुर के ग्राम कड़ी नेगी निवासी अंकित कुमार समुरादाबाद की सुनीता से जनवरी में तय हुआ था, जिसकी शादी 6 मई को होनी तय हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन में निश्चित तिथि पर दोनों की शादी नहीं हो पाई। जिसके बाद अंकित कुमार के परिजनों ने प्रशासन से अनुमति लेकर सूरज चौक स्थित बॉर्डर पर अंकित का विवाह सुनीता से किया। बॉर्डर पर शादी के बाद दुल्हन को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। दूल्हा अंकित कुमार ने बताया कि शादी के करने का मौका सौभाग्य से मिलता है, लेकिन शादी की तारीख निश्चित होने के बाद भी प्रशासन का सहयोग करते हुए लॉकडाउन के पालन के अनुसार शादी संपन्न हुई। डेट रखने रखी होने के कारण अब ऐसा करना पड़ता है। लॉकडाउन की वजह से क्या कर सकते हैं, प्रशासन को सहयोग करते हुए हमने यहाँ पे शादी की। कहाँ के रहने वाले? ग्राम गढ़ी नेगी तहसील जसपुर, ये जिला मुरादाबाद बसंतपुर रामगढ़ ग्राम। अब लॉकडाउन के हिसाब से प्रशासन की देखते हुए जैसी शादी करी तय हुई थी, और ये लॉकडाउन की वजह से बढ़ करके जो है 8-10 मई को हुई है। और दूल्हा जो है गढ़ी नेगी का रहने वाला है, दुल्हन मुरादाबाद की रहने वाली है, और प्रशासन के साथ मिलकर के उनके सहयोग से जो है कि हमने कानून को दायरे में रह करके हमने बॉर्डर पर शादी की है, और प्रशासन को साथ लेकर के हमारे पास परमिशन थी। SDM साहब से हमने परमिशन भी ली थी, और हमने भी जो परमिशन के हमारे को नियम और कानून मिले थे, हमने उसी को दायरे में रख करके ये काम किया। ये हिंदू रीति रिवाज से शादी की गई है,